नमः शिवाय। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मंगलवार चतुर्थी तिथि रात्रि 8:22 तक चलती रहेगी। तत्पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज भी 1:30 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चलते रहेंगे। तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। आज भी 1:30 तक सूर्य के नक्षत्र का प्रभाव कायम रहेगा। तत्पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। अतः पूरे कार्यकाल में सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र का मिला जुला प्रभाव प्रत्येक जातकों पर पड़ता रहेगा। हालांकि चंद्रमा आज भी मकर राशि में केतु के साथ चलते रहेंगे। चंद्रमा और केतु की स्थिति आज पूरे दिन बनी रहेगी। साथ ही राहु की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती रहेगी, जिससे हर कार्य को प्रभावशाली ढंग से संपन्न करने की चेष्टा बनी रहेगी। सक्रियता और दृढ़ इच्छा शक्ति हर काम को सफल बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति लाभदायक ढंग से कायम रहेगी। रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे। प्रशासनिक सहयोग बना रहेगा, मगर धैर्य और संयम के साथ नकारात्मक विचारों को दूर रखते हुए प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा मकर राशि में केतु के साथ 10वें घर में चल रहे हैं। कार्य योजनाएं विकसित होंगी, नई क्रियाशीलता की प्रेरणा मिलती रहेगी। व्यावसायिक गतिशीलता के साथ ही साथ संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। साझेदारी लाभदायक रहेगी, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे, घर गृहस्थी और माता के संबंधों में सुधार होगा। घरेलू मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में सावधानी रखनी चाहिए। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए पराक्रम बढ़ा रहेगा। काम करने के प्रति पहल में कमी महसूस होगी। कर्तव्य निष्ठा बनी रहेगी, मगर आलस्य और मानसिक अस्थिरता लगी रहेगी। हालांकि बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और अधिकतम कार्य योजनाओं की रूपरेखा सफल रहेगी। नई कार्य योजनाओं में लाभ और साझेदारी में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। मन किसी अज्ञात भय से ग्रस्त रहेगा। पिता के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहेगी, मगर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी अपेक्षित है। मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा धैर्य और संयम से काम लेने की आवश्यकता होगी। ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ भी अनुकूल नहीं चल रहा है। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी अपेक्षित है। हालांकि व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति और आर्थिक लाभ के प्रति सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और संबंधित मामलों में छोटी यात्राएँ भी संभावित हैं। अनावश्यक चिंता और मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है। अपेक्षित मात्रा में हर क्षेत्र में सहयोग में कमी महसूस होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा, मगर चोट चपेट लगने का अंदेशा बनता है और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के जातकों की मानसिक सक्रियता बनी रहेगी। दूसरों की सलाह से प्रेरित होना नुकसानदायक साबित हो सकता है, सावधानी अपेक्षित है। कार्य क्षेत्र में उत्साह और विकास की प्रवृत्ति बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक होगा। निजी निवेश लाभदायक रहेगा। रुके हुए सरकारी कामकाज संपन्न होंगे, मगर कार्य योजनाएँ आपके अनुरूप चलती रहेंगी और विरोधियों की साजिश नाकाम होगी। निजी संबंधों में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। कार्य की अधिकता लगी रहेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा केतु की युति 6वें भाव में कायम है। मन में नकारात्मक विचारों का उठना, कामों में रुकावट, धन खर्च और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत मिलता है। उत्साह में कमी बनी रहेगी, मगर पारिवारिक सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा जारी रहेगी। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। शासन सत्ता व विभागीय कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी चिंता कायम है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखें और मौसम संबंधी होने वाले संक्रमण से अपने को बचाना।
कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ के द्वार खुले हुए हैं। कार्य क्षेत्र में विकास और सरकारी सहयोग कायम रहेगा। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल हर क्षेत्र में लाभदायक रहेगा। पहले से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। हर काम में प्रबल आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। हालांकि सरकारी सहयोग भी बना रहेगा और अधिकतम काम पूरे होंगे। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की अनावश्यक रुकावटें खत्म होंगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल है और घर गृहस्थी पर खर्च संभव है। भूमि वाहन या प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में निवेश हो सकता है। चंद्रमा के नक्षत्र का फल आपके लिए लाभदायक रहेगा, मगर चंद्रमा के केतु के साथ होने से अनावश्यक घबराहट, बेचैनी, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मसंतुष्टि में उतार चढ़ाव हो सकता है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के प्रयास सार्थक होंगे। चंद्रमा के अपने नक्षत्र में चलने से रुके हुए काम संपन्न होंगे और विवादित मामलों में सफलता का संकेत मिलता है। आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा। अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर शंकाओं का दौर भी जारी रहेगा, जो कि सकारात्मक पहल को प्रभावित करने का काम करेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र की मजबूती बनी रहेगी और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में आ रही रुकावटें खत्म होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए वाणी पर नियंत्रण और आर्थिक लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। व्यावसायिक उद्देश्य पूरे होंगे और सहयोग बना रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर और धैर्यपूर्वक लेना चाहिए। रचनात्मक प्रयासों में देरी, पारिवारिक मधुरता में कमी और मानसिक दबाव बना रहेगा। आर्थिक लाभ आपके कार्य क्षमता के अनुसार मिलेगा। हालांकि साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। सकारात्मक प्रेरणा जारी रहेगी। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी अपेक्षित है। मकर राशि के जातकों के लिए मानसिक क्रियाशीलता बनी रहेगी। चंद्रमा आपकी राशि पर ही चल रहे हैं। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और पारिवारिक सहयोग कार्य क्षेत्र को विकसित करने में सहायक होगा, मगर स्वयं के स्वास्थ्य पर सावधानी अपेक्षित है। शासन सत्ता व अधिकारियों के साथ ही विभागीय सहयोग भी बना रहेगा। मेहनत करने की प्रवृत्ति कायम रहेगी। आर्थिक लाभ से अधिक खर्च की स्थिति संभावित है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अनावश्यक खर्च और गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश की स्थिति बनी रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं में और संसाधनों में भी खर्च संभावित है। संबंधित मामलों में यात्रा का योग भी बनता है। हालांकि विभागीय सहयोग कायम रहेगा और आर्थिक मामलों में उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। संसाधनों में वृद्धि होगी, मगर विरोधियों से सावधान रहें। वाद विवाद से संबंधित मामलों में सावधानी अपेक्षित है। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। स्वास्थ्य पर सावधानी अपेक्षित है और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, मगर आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभव है। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे, जिसमें पारिवारिक प्रेरणा और सहयोग लाभदायक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और हर्ष की स्थिति बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।